क्या जो अभी उन्होंने जो मिक्स पार्टी बनाई थी वो बराबर रह गया अभी, वो सब महाराष्ट्र के जनता का सब अपमान कर दिया उन्होंने, बस इतने बोलने। शिवसेना के बारे में कुछ और नहीं बोला? वही तो, उन्होंने तो अपमान किया सब, जो कांग्रेस में और शरद पवार की पार्टी में गए शिवसेना वाले, वो गलत किया उन्होंने। अभी अभी मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अभी राष्ट्रपति शासन लग गया, बाद में मिड टर्म इशू, तो शिवसेना का क्या हाल? झटका लगेगा उनको, दोनों को झटका लगेगा। जो अभी जो पान का वो पाऊस पडला है आणि जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्याच्या बारे त्यांनी विचार नाही केला, त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी विचार केलेला आहे, तर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि यांनी यांच्या ह्या कार्यक्रमामुळे यांच्या मंत्रिमंडळ लांबवल्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा त्रास झालेला आहे आणि जनतेलाही त्रास झालेला आहे, त्याचं फळ यांना भोगावं लागेल। यांना तर जॉन कोवी निवडणूक गेली 4 महिन्यात 6 महिन्यात 12 महिन्यात, तेव्हा यांना तिघांना झटका लागणार, तेव्हा भाजपचं बहुमतानेच येणार आहे, तेव्हा भाजप पुन्हा बहुमतानी येणार आणखी। हो ठीक आहे, थँक्यू। देखिए ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। शिवसेना और बीजेपी का दोनों का युति था और युति के कारण ही वोट पड़ा गया है जो भी पड़ा है, और अब जो खेल शिवसेना खेल रही है मुझे तो साफ साफ इसमें शिवसेना ही गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हाथ पकड़ के दोनों साथ चले थे और अब ये सीधे सीधे हाथ छुड़ा के धोखा दे रहे हैं कुर्सी के लालच में, और पुत्र मोह में पूरी तरह आ चुके हैं वो, आदित्य ठाकरे को कुर्सी के देने के पक्ष में पूरी तरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है और अभी नए नया कुर्सी उन्होंने शुरुआत किया है, तो हो जाएगा धीरे धीरे आगे चल के, अगर चलते रहेंगे अच्छा काम करेंगे तो लोग उनको भी चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो उन्होंने ये चुना है, और भी जूने उसमें वक्ता है, काम करने के नेता हैं, जो जूने लोग हैं उनके तरफ नज़र देना चाहिए इनको, इनको सिर्फ अपना बेटा ही क्यों नज़र आ रहा है। और जिस तरह बाला साहब का जो सोच था, उन्होंने कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़ा, वो एक पार्टी के एक संस्थापक के रूप में आए थे और उन्होंने सीएम बनाया और जो भी लोगों को मदद किया या फिर उस राह पे ले गए, लेकिन वो खुद कुर्सी के लिए कभी नहीं खड़े हुए। लेकिन आज के दौर पे इसमें तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये सीधा बिजनेस फंडा चल रहा है, इसमें ये हो कि मुझे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी मिले उसका लाभ हम उठा सके, तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे तो ये नहीं ठीक लग रहा है। मतलब क्या है अभी आदित्य ठाकरे को उम्र ही क्या हुआ है, उम्र कितना हुआ है, अभी उनसे बड़े बड़े लोग हैं पार्टी के अंदर, वो भी तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। आज एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछना चाहूँगा कि जैसे अब राष्ट्रपति शासन लगा है, इसके बाद में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो उसमें क्या लगता है शिवसेना का क्या हाल होगा? ऐसे में क्या सोच, उसमें शिवसेना का हाल एकदम ठीक एमएनएस की तरह हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो छवि है लोगों के दिमाग में जो छवि थी एक हिंदुत्ववादी जो राष्ट्र इनका चलता था शिवसेना का, लेकिन अब जिस तरह ये कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं और एनसीपी की तरफ भाग रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं अब ये लोगों के नज़र में एक गलत छवि इनके तरफ से बन रही है। तो अब जो है जैसे कि बहुत सारा काम बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से होते गया जब से सरकार आई, इसके पहले भी बहुत सरकार बनी लेकिन मुंबई में कोई काम नज़र नहीं आया। जैसे कि एक मेट्रो बना वो 10 साल में बना, बहुत छोटा सा किलोमीटर का तय किया, लेकिन इस 5 साल के बीच में 50 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के रेंज में टोटल पूरे मुंबई में, इस तरफ मुंबई में नहीं पूरे देश में देखा जाए तो चारों तरफ ये इस गवर्नमेंट में काम हो रहा है और कुछ ना कुछ अहम फैसला होते जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि इनको बीजेपी के साथ समर्थन कर लेना चाहिए, और अभी अब तो कुछ हाथ में मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा, लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने किया है अब इन्होंने टोटल माइनस पॉइंट में चले गए हैं, अब बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी खींचतान मची हुई है, तो आपको लग रहा है कि पार्टियों को अपना छोड़ के जनता के बारे में कुछ सोच रही हैं पार्टियां? जनता के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है इस समय, मतलब क्या अपने अपना ही अपना सोच रहे हैं, मतलब हमारी सरकार बन जाओ बोलते हैं, हमारी सब खाली मुख्यमंत्री बनने का एक ये है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन क्या है, देखिए शिवसेना और बीजेपी दोनों 30 साल से एक साथ आए हैं और रहना चाहिए, समझ बूझ के अपना कर लेना चाहिए, तो उसमें दूसरी पार्टी को मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आज राष्ट्रपति शासन सुना के लग गया, ये कोई फायदा नहीं है, फिर इलेक्शन होगा, फिर पब्लिक के सर पे बोझ आएगा, पब्लिक कितना झेलेगी, गरीब आदमी मर जाएगा, इलेक्शन बार बार हर 5 साल पे कहीं ना कहीं होता ही रहता है, तो महंगाई पब्लिक के ऊपर ही आता है, इसको समझ बूझ के कर लेना चाहिए, इलेक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए। सर एक बीजेपी बोल रही है कि चुनाव के पहले ऐसा कोई 50-50 का फॉर्मूला नहीं था, शिवसेना बोल रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है कि पहले फॉर्मूला हम लोगों का फिट किया हुआ था, तो अगर मान लिया जाए कि इन लोग का था
चलिए मान लिया जाए शिवसेना सही बोल रही है कि 50-50 के फॉर्मूले पे ये लोग का बात हुआ था और सीएम का पद के बारे में ये लोगों ने ढाई ढाई साल का बात किए हुए थे, तो इन लोगों ने शिवसेना ने ये बात इलेक्शन के समय जनता को बतानी चाहिए थी, तो ऐसे नहीं लगता है कि ये जनता के साथ में धोखा हो गया? ये तो पॉलिटिक्स राजनीति है, राजनीति का कोई महत्व नहीं है, क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे, बोलते तो कुछ और हैं करते कुछ और नहीं है, बोल देते हैं कुछ और लेकिन होता नहीं हो, पाँच साल बीत जाएगा फिर वही, तो पब्लिक को ही तकलीफ होता है, मुख्यमंत्री कोई बने, पब्लिक जो अपना मत दे दिया, चाहे कोई बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, शिवसेना, राष्ट्रवादी, किसको भी दिया, लेकिन मत अपना दे दिया आदमी, लेकिन उसमें क्या है, जो भी है समझबूझ के करना चाहिए, दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा लेकिन गलत। एक और चीज़ पूछूंगा सर, देखिए राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, अखिलेश यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी गई, फिर तेजस्वी यादव के नाम पर जेडीयू का वही हाल है, अब लगता है कि आदित्य ठाकरे के नाम पर शिवसेना का भी वही उसी मार्ग पर चल रही है? नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी नया जनरेशन है, ये क्या है कुछ अलग ही सोचते हैं। पर मगर पुत्र मोह के नाम पर जैसे धृतराष्ट्र और पुत्र मोह तो होता ही है, हमको भी पुत्र मोह है, हमारा पुत्र है तो हमको मोह तो लगेगा ना, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, माने कुछ नहीं होता, कोई नेता जनता के बारे में नहीं सोचता है, आज जो हमारे देश की स्थिति है जो है ठीक है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, राम मंदिर का हो गया, 370 हट गया, 35 हट गया, जो भी हो रहा है, जो हुआ नहीं था वो भी हो रहा है, मिला जुला के सरकार चलना चाहिए, शिवसेना बीजेपी गठबंधन रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग बिगड़ रहे हैं, किसी के कहने पे बिगड़ रहे हैं। सर मतलब अभी जो आपने बोला उस हिसाब से ऐसे राजनेता चुनना चाहिए जिनके पुत्र हैं ही नहीं, तो पुत्र मोह कहाँ से होगा, फिर जनता ही पुत्र है। अरे भाई देखिए, जैसे मोदी जी उनका कोई पुत्र नहीं है, मायावती का कोई पुत्र नहीं है, ममता बनर्जी का कोई नहीं है, तो ये क्या है, देखिए जो है अब तो है ही है, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। अब लगता है कि शिवसेना जो उनकी किरकिरी हुई है उससे उभर पाएगी राजनीति में? शिवसेना को नुकसान होगा। उद्धव जी ऐसा लगता है उद्धव जी ने कुछ इमेच्योरिटी दिखाई है कांग्रेस और एनसीपी के साथ में बातें करके? उन्होंने गलत किया, उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके विरुद्ध हमेशा रहे हैं, उनसे मिलाने का मतलब शिवसेना को पब्लिक जो जनादेश दी है तो भाजपा शिवसेना समझकर दी है, कांग्रेस को नकारा क्यों, एनसीपी को नकारा क्यों, मनसे को क्यों नकारा, मतलब पब्लिक को शिवसेना बीजेपी चाहिए था तो पब्लिक ने बहुमत दिया था, लेकिन ये लोग उसमें ही खींचातानी कर रहे हैं तो मतलब ही क्या है। तो आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा गलती है इसमें, बीजेपी शिवसेना किसको आप ज़्यादा दोष? इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, बड़ी पार्टी तो वही है बीजेपी की है, अब देखा जाए तो बड़ी पार्टी तो वही है ना, उनको सत्ता में उनका 105 है, इनका कितना 55 था ना, 104 तो अभी दोनों साथ में मिलके तालमेल बना के चलते हैं, लेकिन ये गलत हुआ है ना, अभी वो बोल रहे 50-50 का फार्मूला, हम लोग को तो मालूम भी नहीं, जनता को मालूम था नहीं मालूम था, अभी ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ 50-50 का ये लोग क्या किए हैं, हम लोग को नहीं कुछ मालूम था, अभी न्यूज़ में मालूम पड़ा कि हाँ ये शिवसेना बोले कि हम 50-50 का फार्मूला, अभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो और उनको तो देना चाहते थे DPCM का पद, लेके वो नहीं बोले मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा नहीं होता है ना, पार्टी वो बड़ी है, मोदी जी के उत्साह से सब चल रहा है, मोदी जी को सब अच्छा काम कर रहे हैं, उनके थ्रू से चल रहा है, लेकिन मिला के चल रहे हैं, अटल भी जी थे वो भी शिवसेना को मिला के चले, लेकिन ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी महंगाई कितना चली जाएगी, अभी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सबको तकलीफ होएगा, अभी फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन होएगा, देखो अब आगे जनता क्या करती है। सर आपने एक ये बड़ी अच्छी आप दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि महंगाई बढ़ेगी, अभी जैसे अभी बीच में मैं जैसे समाचार देख रहा था तो भारत का 60% प्याज कांदा मुंबई अपना महाराष्ट्र से आता है, उस पर अभी बारिश ऐसी हुई है कि फसल बर्बाद हुई है, वहाँ पर किसानों का के ऊपर ध्यान देना छोड़कर अभी ये लोग यहाँ पर अपना राजनीति की खींचतान में लगे हुए हैं, इससे तो समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। देखिए जब सरकार स्थिर हो जाती है तो हर जगह ध्यान दिया जाता है, सरकार स्थिर ने इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन टाइम में नेता लोग को टाइम नहीं मिलता है, किसी का सुनते नहीं, क्योंकि 5 साल का काम करने के बाद वो अब उनको इलेक्शन लड़ने का टाइम आ गया, उसमें किसी का नहीं सुनते हैं, अब कितना भी बड़ा काम लेके जाओ नहीं सुनेंगे,
बार बार लड़ाई जा रहे हैं, इलेक्शन ही लड़े जा रहे हैं, जनता उकता नहीं जाएगी भाई? जनता क्या करेगी, महंगाई तो हमारे सर पे आ रही है ना, उनको क्या करना है?